नमस्कार। वैसे तो ये बात आप जानते हैं कि युगों से अपराध की व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है, फिर भी आज तक किसी एक अर्थ को मान्यता नहीं मिली। हालांकि मनोविज्ञान कहता है कि अपराध मानसिक उलझनों का परिणाम है। ऐसे ही मानसिक उलझनों से उलझा एक अपराध हुआ उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर मुजफ्फरनगर में। कुछ करो ना साहब जी, बड़ा जी घबरा रहा है। अरे कहीं कुछ हो ना गया हो उनको। अरे कुछ नहीं हुआ होगा उनको, सब सही है। मैडम जी आ गए। हाँ, आ जा। चैन मैडम, ये कांति अमाना है, इनका पति 3 दिन से घर नहीं आया। इनका कहना है कि वो यही है। जी मैडम जी, वो यही है इस घर के अंदर उस करमजली के साथ। बड़ा दिल घबरा रहा है, कहीं कुछ हो ना गया हो। घबराइए मत, हम देखते हैं। जी यादव, पूरे घर की तलाशी लो, देखो कौन है अंदर। ओके मैम। छुपा के रखा मारे आदमी को। अरे मारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। मैडम जी, बापू को ढूंढ दो। रूपा जठार, इनके पति 3 दिन से लापता हैं और इनका कहना है कि वो यहीं है तुम्हारे पास। और पूछे ही कौन है उसे? जितना पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब दो। कहाँ है? यहीं है। चलिए मिलवाती हूँ उससे। जठार, क्या मजाक है ये? हम तुम्हारे कोठी के दर्शन करने नहीं आए हैं। कहाँ है लाला? यही है। यही मतलब? वहां उस टंकी में। टंकी में सो रहा है चैन से। क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया है मेरे पति के साथ? क्या कर दिया? क्या किया तुमने? वही किया जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। गला चीर दिया, हाथ तोड़ दिए और मार के डाल दिया टंकी में। Thank you.
मार दिया है। आप घबराइए मत, मुझे पता है ये झूठ बोल रही है। मैडम जी, इसमें लाश है। जल्दी करो, उठाओ इन्हें, हॉस्पिटल ले जाओ। उठाओ, जल्दी से उठाओ। अम्मा, अम्मा। यादव जी मैडम, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी को बाहर निकालो। जी मैडम। मैम, पूरा गला चीरा हुआ है और दाहिने पैर की और दोनों हाथों की हड्डी तोड़ी हुई है। इसे तो हूबहू वैसे ही मारा है जैसे इसने हमें बताया। गला चीर दिया, हाथ तोड़ दिए। झूठ बोल रही हो तुम, क्या छुपा रही हो? ये हो नहीं सकता कि इस हालत में तुम एक हट्टे कट्टे आदमी को मार सको। इम्पॉसिबल। मारने के लिए दिमाग चाहिए, ताकत नहीं। तेरा दिमाग ठीक करूं तेरा, हैं? लाला इंसान के खाल में जानवर था, मैंने जानवर को खत्म कर दिया और खुद को बचा लिया। तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे कमजोरी के बावजूद तुमने एक हट्टे कट्टे आदमी का गला चीर दिया, उसकी हड्डियां तोड़ दी और इतनी ऊपर टंकी में डाल दिया। शेर इंसान को नोचे खसोटे मारे तो सच, इंसान शेर को मारे तो झूठ। या तो तुम ये नहीं समझ रही कि तुम जो कह रही हो उसका अंजाम क्या होगा, या तो तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। मैं अपना जुर्म कबूल कर रही हूँ। ठीक है रूपा जठार, क्योंकि तुम अपना जुर्म कबूल कर रही हो, तुम्हें अरेस्ट करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। पर विश्वास नहीं होता। अब जो भी सच्चाई है थाने में जाके बताना हमें। चलो, ले चलो इसे। हेलो जी, एक और आ गई। कौन है ये? समाज सेविका है। एक मिनट, कहाँ लेके जा रहे हो? रुको, आप क्या कर रही हैं ये? इसकी हालत तो देखिए आप, ये ऐसी हालत में लाला जैसे भारी भरकम आदमी को मार सकती है भला? ये इन्हें समझाइए, हमें नहीं। इन्होंने अपने जुर्म को खुद ही कबूल किया। उसने कहा और आपने मान लिया? रह तो आपकी मान ले। अनुसुया, तुम घर जाओ। रूपा, मुझे सच सच बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है। ये सब मैंने ही किया है। नहीं रूपा, मुझसे बात तो करो, मेरी बात सुनो रूपा। विश्वास नहीं हो रहा था, पुलिस का शक सही लग रहा था। बार बार मन में यही सवाल उठ रहा था कि कैसे मुमकिन है 80 किलो के शरीर को एक अपंग महिला सीढ़ियों से घसीट कर ऊपर छत पे ले जाए और उसके ऊपर बनी पानी की टंकी में उस शरीर को डाल दे। क्या ये सच बोल रही है या ये किसी को बचा रही है? उसके हालात और हालत दोनों ही इस सवाल को उठा रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है और अगर है तो कैसे। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताती हो कि तुमने खून कैसे किया, तुम यहीं रहोगी। समझती क्यों नहीं हो कि जेल नरक होता है? जेल का नरक मेरे जीवन से बुरा ना हो सके। तुम में ताकत नहीं है? इरादा था। 7 साल पहले हिमांशु अवाना ने मेरा सौदा मेरे बापू से किया, मुझे नरक में झोंक दिया। रोज मारे, रोज लूटे। उसकी मार के कारण मैं अपंग हो गई। इतना काफी ना है? रूपा, मैंने तुमसे पूछा कैसे मारा तुमने उसको,
क्यों मारा नहीं पूछा है? अगर तुमने ही मारा है उसे तो कैसे मारा उसे? हाँ, एक केस में हूँ, रात को लेट हो जाएगा। हाँ जी सर, आ गया लाला के वजन का डमी। फिर लग जाओ काम पे। जी। और याद रहे, तुम्हारा बायां हाथ और बायां पैर काम नहीं कर रहा है। अच्छा जी। सारा वजन दाएं हाथ और दाएं पैर पे होगा, समझ गए? समझ गया। ओके, चलो लग जाओ। तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुमने लाला के खाने में बेहोशी की दवाई डाली, उसको बेहोश करके टंकी तक ले गई, वहां उसको मारा और फिर टंकी के अंदर डाल दिया। इतनी भारी बॉडी को तुम दूसरे माले तक ले गई, इस हालत में तुम्हारा एक हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, क्यों गुमराह कर रही हो हमें? बेवकूफ समझती हो हमें? सच बताओगी आप? मैंने मारा है उसे, उस जानवर को मार कर मुक्ति दिलाई है अपने आप को। आजा आजा आजा, अरे जोर लगा। अरे याद रखिए, बायां पैर टेकना ना है। अरे दम ना है के, अरे खींचना, खड़ा हो जा। अरे खींच, ले जा ले जा ले जा। अरे चल ले चल ले चल ले चल। अरे लगाना ताकत, क्या हो गया? दमना है के, ले चल। अरे हाथ मत लगाइए। अरे यार अब तो सीढ़ी भी ना है, अब भी ना खींचा जा रहा तेरे पे। अरे यार दोनों हाथ ना लगाने, पता है ना वहां को एक हाथ खराब है। अरे सर जी मारे से ना हो पा रही। अरे जब तेरे से नहीं हो पा रहा तो वो कहां से कर पाएगी? सर जी आगे देखते हैं। चल देख लेते हैं। सर यहां तक आ भी गए और इस सीढ़ी से कोई चढ़ेगा भी ऊपर तो रस्सी से भी खींचेगा तो पलटी तो हो ही जाएगा ना इंसान। बात तो तू सही कह रहा है, पर हुआ तो है। कैसे? अरे जिंदगी बर्बाद कर दी मारी। कहाँ गई रे मारे आदमी को चुड़ैल। भाई मानिक। हाँ भाई साहब। कर्म कांड सब निपट जाए, भाई साहब की जमीन का भी हिसाब करना पड़ेगा। सही कह रहे हो भाई साहब, एक भाई तो निपट लिया और एक भाई गायब है। जल्दी से क्रियाक्रम निपट जाए ना तो सही है। और जोर से बोल दे जरा, सबने सुना था अपनी प्लानिंग? कौन क्या उखाड़ लेगा मेरा है? ये यहाँ पे क्या कर रही है? तू क्या कर रही है यहाँ पे? भाई साहब दुख है स्वर्ग, अब किसने जेल पहुंचाने आई है? ऐसा कर, जिस उड़न तस्त्री पाई है ना चढ़ के, उसी पे बैठ के वापस सो ले। चल निकल। ये सब जो तुमने तमाशा लगा रखा है ना, सब समझती हूँ मैं। रूपा को फंसा के अपने हाथ साफ मत दिखाओ तुम लोग, बचोगे तो तुम भी नहीं। क्या मतलब है तेरे कहने का? तुम्हारा भाई लाला कैसा जानवर था सब जानते। अकेली रूपा नहीं थी जिसकी जिंदगी उसने नर्क बना रखी थी, तुम लोग भी उसी नर्क के भोगी हो। तुम लोग तो ताक में थे ना कि कब लाला मरे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने लाला को मारा और टंकी में फेंक दिया और रूपा को फंसा दिया? और अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है ना तो मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। अच्छा अब तू लाएगी सच सामने?
पर रूपा की हालत तुझसे भी छुपी ना है। हालत चाहे जो भी हो, वो खूनी नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ और तुम लोग भी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बहुत बुरा हुआ भाई साहब, वो बब्बन कई दिनों से दिख नहीं रहा। अरे वो तो हमें भी नहीं दिख रहा कई दिनों से, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है इधर उधर। तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है? अगर हमें पता होता तो हम आपसे थोड़ा ही ना पूछते। लो तो जाओ फिर, ढूंढ के लाओ उसे, कुछ पता लगे तो मैं ही बताना। ये बब्बन कब से लापता है? ओ तू मत बन जाता जासूस, चल निकल ले, निकल ले, चल निकल। मैडम हमने सारे तरीके अपना लिए, सारी कोशिशें कर ली, लेकिन ये पॉसिबल ना है मैडम कि रूपा एक मरे हुए भारी भरकम आदमी को सीढ़ियों से खींच के ऊपर ले जाए और टंकी में डाल दे। और अगर वो फिजिकली भी ठीक होती तब भी ये पॉसिबल ना था मैडम। एक तरीका है, लाला खुद चढ़कर ऊपर टंकी तक गया हो और वहां उसको किसी ने मार दिया, पहले नहीं। मान लेते मैडम कि लाला खुद सीढ़ियों से चढ़कर टंकी तक गया हो, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही आदमी के खड़े होने की जगह है, इतनी जगह ना है कि वहां किसी के साथ हाथापाई करके और उसे मार के टंकी में डाल दे। मैडम अनुसुईया आई है अपने लॉयर के साथ, एक बार सारे आप चेक कर लीजिए। जी जी मैं करता हूँ, फिर आपको एज सून एज इंफॉर्मेशन देता हूँ। हेलो मैम। अनुसुईया जी, बहुत नेक काम करती हैं आप, जान चुकी हूँ मैं आपके बारे में। महिलाओं की सुरक्षा और उनको रिहैबिलिटेट करती हैं। वैसे जिसके लिए आज आई हैं आप, वो खुद ही की मदद नहीं करना चाहती? मैं उसको पिछले कई सालों से जानती हूँ। रूपा ऐसा कर ही नहीं सकती, जो भी कर रही है किसी मजबूरी में कर रही है। मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूँ। कोशिश कर लीजिए, शायद आपके लॉयर दोस्त उसकी मदद कर सकें। आइए वकील साहब। रूपा, रूपा, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो लाले के लिए खाना बना रही थी। लाला कहाँ है? लाला को तेरे पता नहीं है, नहीं तो चमड़ी उधेड़ देगा मेरी। उसे टाइम पे खाना नहीं मिला, निकालो मुझे यहाँ से। अब ये कौन सा नया नाटक रच रही है ये? क्या है ये? इसने खुद ही अपने जुर्म को कबूल किया है, लाला की बॉडी तक लेकर गई है, बार बार पूछने पर कन्फेशन पे टिकी रही है और अब पूछ रही है कि यहाँ क्या करिए? देवकी जी इसे दौरे पड़ते हैं, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या कह रही थी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कोई बीमारी है उसे? क्या बीमारी है उसे? एक्चुअली देविका जी उसे दौरे पड़ते हैं, काफी टाइम तक उसका इलाज भी चल रहा था, और जब भी उसे दौरे पड़ते हैं तो वो अपना असली रूप एकदम भूल जाती है, कोई नई रूपा सामने आ जाती है। हो ना हो लाला के परिवार वालों ने उसकी इसी बीमारी का फायदा उठाया है। उसकी एक 6 साल की बेटी भी है रूपल, जो नानी के घर बरेली में रहती है। हो सकता है कि लाला के परिवार वालों ने उसको बंधक बना रखा हो और रूपा को ये सब करने के लिए मजबूर किया हो। अगर ऐसा है तो हमें क्यों नहीं बताती वो? हम तो उसकी मदद ही करना चाहते हैं। अच्छा छोड़िए, आप मुझे रूपा के डॉक्टर का नाम और नंबर दे दीजिए। नाइन थ्री फाइव। देवकी जी मेरी किसी मदद की जरूरत लगे तो प्लीज बताइएगा। जी मैडम जी, यो केस तो और भी उलझता जा रहा है। बस एक बार ये सुलझ जाए कि हुआ कैसे।
किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। मैडम सारी रिपोर्ट्स आ गई। वह पानी में मतलब मारने वाले ने कोई उपाय ना छोटा मारने में हाथ पैर तोड़ दिए, गला काट दिया। मैडम फिर पानी में जहर क्यों? यही तो सोचने वाली बात है। देख चाचा ऐसा है, तू अपनी बेटी ने संभाल ले, बहुत उछल रही है आजकल। नहीं तू मुझे एक बात बता, जब इस रूपा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, कबूल कर लिया इसने गुनाह अपना, फिर ये क्यों कूद रही है बीच में? नहीं चाहती क्या हमसे, फंसाना चाहती है हमें, फंसा लेगी ऐसे? देखो चाचा हम फंसते ना है फंसाते हैं, समझे? ना जान से हाथ धो बैठेगी और बुढ़ापा खराब हो जाएगा तुम्हारा, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, समझ में आ रही है बात? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या क्या धमका रहे हो बापू को? कान खोल के एक बात सुन लो तुम दोनों, रूपा को इंसाफ दिला के ही रहूंगी मैं, समझे? और वो तुम्हारा भाई बब्बन उसी दिन से गायब है ना जिस दिन लाला की मौत हुई थी। अगर ये बात पुलिस को पता चल गई ना तो दिक्कत तो तुम लोगों को हो जाएगी। ओ बात सुन, जहां तक बब्बन का सवाल है ना, हमें बोल के गया था दोस्तों के यहाँ जा रहा है, अब बोल के गायब हो गया, इसमें हमारी क्या गलती है? और इसमें हमारा कौन सा दोष है? हा? दोष तो रूपा का भी नहीं है, फिर भी जेल में है ना वो। ऐसा है आंदोलन में जो जुनूनी आंदोलनकारी होते हैं ना वो भावनाओं में बहकर अच्छा बुरा नहीं देखते, तोड़फोड़ मचा देते हैं और घर चलता है अलग से। आई बात समझ में? बाकी तू समझदार तो बहुत है, समझा दी भाई अपनी लड़की ने, चल। बापू आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये सिर्फ बोल सकते हैं कुछ कर नहीं सकते। बेटा संभल कर रहना, हाँ। अच्छे लोग नहीं है ये। संभल के रहूंगी। अच्छा ये बताओ खाने में क्या बनाया? सब बनाया, दाल रोटी सब्जी सब कुछ है। रूपा को स्प्लिट पर्सनैलिटी है, यानी कि उसके एक से ज्यादा रूप है, 2.0। जब ये रूप ट्रिगर करता है तो अपने पहले वाले रूप को भूल जाती है और इस हालत में उसे सिर्फ और सिर्फ लाला ध्यान रहता है। लाला का भी नाम ध्यान नहीं रहता, चेहरा ध्यान रहता है। इसका इलाज क्या है? हाँ इसका इलाज तो है पर जड़ से खत्म करना मुश्किल है। हाँ दवा से दोरों को दबाया जा सकता है और पिछले काफ़ी महीनों से रूपा बिल्कुल ठीक थी और उसे दौरे पड़ने भी बंद हो गए थे, खासकर तब से जब से उसके किसी से दोस्ती हुई थी। दोस्ती किससे? वो तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, और निकलना भी होता था तो वो समाज सेविका के साथ निकलती थी, हमने सब पता किया। सो तो है पर वो बार बार किसी का जिक्र करती थी, हालांकि खुलकर कभी कुछ बताया नहीं। अनुसुईया को तो पता होगा? अनुसुईया को ना, मुझे नहीं लगता उसने बताया होगा। लो बेटा अपनी थाली। और ये पानी। मैं अपनी थाली लेकर आता हूँ। अरे अरे बापू बापू कहाँ जा रहे हो, बैठो साथ में खा लेते हैं। चलो फिर तो आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। बेटा एक बात बोलूं, खाली पेट तू अपनी जंग नहीं जीत सकती। हाँ। दाल कैसी लगी? बापू एक ही सवाल बार बार क्यों पूछते हो रोज? आपने बनाई ना बहुत अच्छी है। बापू एक बात बताओ, जिसकी लड़ाई हो अगर वही हार मान ले तो? बेटा तुझे इसकी कमजोरी मालूम है और उसका झूठ जग जाहिर है, अभी जो उसकी हालत है ऐसे में वो किसी को ठीक से पकड़ ले यही बहुत बड़ी बात है, अरे मारना तो नामुमकिन सा है। पर बापू रूपा ने अपने सारे दरवाजे खुद ही बंद कर लिए हैं, उसने अंधेरे को ही अपनी रोशनी मान लिया है, फिर मैं कैसे? बेटा इसी कैसे का तो जवाब तुझे ढूंढना है और ये मिल गया तो किसने उसका जवाब तो अपने आप मिल जाएगा। बापू कहीं बब्बन का तो इन सब से लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस दिन लाला की मौत हुई उसी दिन से बब्बन गायब है और हो सकता है कि वो कुछ जानता हो। लेकिन बेटा तू उसे ढूंढेगी कैसे? मैं उसके दोस्तों से मिलके आती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है बेटा तू कोशिश करके देख ले। रूपा रूपा मुझे मालूम हुआ तूने उस जानवर को मार दिया। लाला मर गया ना, अच्छा किया, अब तो चैन से रह सकती है।
कैसे कैसे चोट दिए ना उसने तुझे, कितना मारता था तुझे, तेरे शरीर को तेरे चेहरे को बिगाड़ के रख दिया, अपाहिज बना के रख दिया तुझे, पूरे जीवन भर के लिए अपंग कर दिया तुझे। अच्छा क्या, अच्छा क्या जो तूने उसे मार दिया, उसे तो मरना ही चाहिए था। हर बार ऐसे ही मरेगा वो, मैं ही मारूंगी उसे। क्या करें? मैं ही मारूंगी उसे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़। यही दिखलाना चाहती थी मैं। क्या हुआ है? मैंने आपको कुछ किया डॉक्टर ने? सुनो, बब्बन कहाँ है? अरे हमें क्या पता, हम खुद ढूंढ रहे बब्बन को काफी दिनों से। अरे तुम लोगों का दोस्त है, कुछ तो पता होगा। देखो तुम्हारी एक छोटी सी मदद किसी बेगुनाह को मरने से बचा सकती है। लाला तो मर गया, उसके चक्कर में कोई बेगुनाह फंस गया। बब्बन शायद कुछ मदद कर दे, मेरा उसे मिलना बहुत जरूरी है। देखो मैडम, लाला को तो पता ना, मगर बब्बन अपने घर वालों से कुछ तो छुपा रहा था। क्या छुपा रहा था? कोई औरत का चक्कर है और उस औरत की 6 साल की बेटी भी है। कैसी औरत, कौन सी बेटी? देखो मैडम, इतना लेखा जोखा तो रहा नहीं। हाँ मगर एक बात है, वो उसकी 6 साल की बेटी को अपना नाम देना चाहता था और मुजफ्फरनगर छोड़ना चाहता था। क्यों भाई? नहीं ठीक है, थैंक यू।
जिटर तू ठीक तो है? तबीयत ठीक है ना? ठीक अनुसुया। अरे मैम आप, केस सॉल्व हो गया। मतलब? लाला का खून रूपा के दूसरे रूप ने ही किया है। जैसे उसने बबन की लाश देखी, उसका दूसरा रूप उस पर हावी हो गया और हमें सच्चाई पता चल गई। यह है उसका कन्फेशन। पप्पन से पहली बार तब मिली जब वो लाला का कुछ सामान देने आया। अरे पप्पन क्या हो गया सुबह सुबह? हाँ अरे हा? भाई साहब वो भाभी की तबीयत खराब है, आप एक बार चल के मिल लो, आपका फर्ज बनता है। अरे हाँ मैं जानता हूँ, आता हूँ। ये पैसे रख। अरे रख ना, दिखा देना। वो लाला से थोड़ा अलग दिखा, मासूम सा। तब मेरे दिमाग ने कहा लाला के चंगुल से बचने का एक ही रास्ता है, पप्पन हथियार बनेगा। तब मैंने अपने प्यार का जाल डाला और बब्बन को फंसा लिया। बब्बन मेरे प्यार के जाल में फंस गया। भाई साहब घर चलो। अपने भाभी से कह देना कि अभी टाइम नहीं है, दो चार दिन बाद आऊंगा, समझे? अरे यहाँ ना, यहाँ बैठ, बहुत शर्माने लगी। फिर एक दिन मैंने उसे रोते हुए कहा लाला मुझसे शादी करना चाहता है, ये बात उसके गले से नहीं उतरी। फिर मैंने कहा एक ही रास्ता है, लाला को रास्ते से हटा देते हैं। वो मान गया। दो दिन बाद जब लाला खाना खाने आया तब मैंने कहा पानी की टंकी जाम है। ए, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ, तू खाना लगा के रख। ये सारा पानी क्यों नहीं आ रहा? बैठ। अरे पानी क्यों नहीं आ रहा? ये पानी की टंकी में कुछ फंस गया है, टंकी जाम है। टंकी जाम है? बस कोई काम ढंग का नहीं करते हो तुम लोग। उसने मुझे बहुत गालियां दी, मारा। फिर जब वो टंकी ठीक करने गया उसे पता ही नहीं था बब्बन तो वहां छिपा बैठा है। लाला के पहुंचते ही बब्बन ने उसे मार दिया।
बब्बन को भी नहीं पता था कि टंकी में जहर है। फिर रूपा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए ये केस अलग है। उसको पागलखाने में रखा जाएगा। खून उसके साइकोपैथ पर्सनालिटी ने किया है। देवकी जी, रूपा को पागलखाने भेजने से पहले मैं उसे उसकी माँ और बेटी से मिलवाना चाहती हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। ख्याल रखना। तुम्हारे लिए क्या लाई मैं? ये सब भी तुम्हारे। थैंक यू। नन्ना कहाँ है? मैं अभी नन्ना को बुला के लाती हूँ। नन्ना, देखो कौन है? चाचू तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक है। दवाई टाइम पे ले रहे हैं? हाँ। रूपा कैसी है? कब मिल सकती हूँ उससे? मैं उसी के लिए तो आई हूँ चाची। रूपा के केस से पहले रूपल का उससे मिलना जरूरी है, और उसी के लिए मैं आप दोनों को मुजफ्फरनगर ले जाने आई हूँ। मम्मा से मिलेंगे? हाँ बेटा। चाची हिम्मत रखो, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखिए। रूपल कैसी? अम्मा, पागलपन में गलत कर गई अम्मा। हम तो तुझे उस राक्षस के चंगुल से बाहर देखना चाहते थे। क्या कर दिया उस राक्षस ने? फूटी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। हम तो खुश हैं तेरी हालत के कारण। कोर्ट केस भी ना होगा, फांसी भी ना होगी तुझे। रूपा, मेरे एक सवाल का जवाब दोगी तुम? तुम्हें कैसे मना कर सकती हो? तुम पूछ सकती हो। सच सच बताना रूपा, तुम्हारे कौन से रूप ने पब्बन से प्यार किया था? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा दूसरा रूप हमेशा लाला को जानवर के नाम से बुलाता था। छोड़ो मुझे! अंदर चल। मैं मार दूंगी उस जानवर को। हेलो डॉक्टर उशाली, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, इसे फिर से दौरा पड़ा है। प्लीज। रूपा, तुम्हें उसका नाम याद कैसे रहा? अरे
उसका तो छोड़ो, तुम तो अपना नाम तो भूल जाती थी। और फिर जब देवकी जी ने मुझे कन्फेशन दिखाया, उसमें तुमने लाला का नाम लिया था। लाला को रास्ते से हटा देते और बब्बन का भी। बब्बन को भी नहीं पता था कि टंकी में जहर है। तब से मैं सोच में पड़ गई, तुम्हारे कौन से रूप ने बब्बन से प्यार किया था? अगर दूसरे वाले रूप ने किया था तो तुम्हें नाम कैसे याद रहा? और अगर असली रूप ने किया था तो क्या मतलब ये सब नाटक था? मतलब यो पागलवान थी, बड़ी चंगी है ये। तुम्हारे कौन से रूप ने बब्बन से प्यार किया था? अगर दूसरे वाले रूप ने किया था तो तुम्हें नाम कैसे याद रहा? और अगर असली रूप ने किया था तो क्या मतलब ये सब नाटक था? मतलब यो पागलवान थी, बड़ी चंगी है ये। रूपा, तुम इतने गुस्से में हो फिर भी तुम में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अम्मा, ये सब क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुमने जानबूझ के तमाशा किया है ना मेरी बेटी के सामने? बोलो। हाँ, जानबूझ के ही तो किया है, जानबूझ के इतनी जान जोखिम में डाली है तुम्हारे लिए। किसी ने मदद ना की मेरी? अपनी मदद खुद की है मैंने। अपनी जिंदगी को नरक से निकालने के लिए लाला को मरना ही था। ले जाओ इसे। कहते हैं कि पूरा सच जीवन बचा सकता है, कहीं ना कहीं हम पूरा सच सुनते नहीं, जबकि हमें सुनने की क्षमता है। हमें किसी भी सच को बोलने और सुनने के बाद उसे सहने और समझने का नजरिया अपना लेना चाहिए। मुमकिन है अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देने वाली मनोदशा वही घुटकर दम तोड़ दे। इसी संकल्प के साथ कि हम सच बोलने और सुनने की क्षमता का इस्तेमाल करेंगे, मैं सपना चौधरी विदा लेती हूँ।